गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 8 के डेसिमल्स के सम्स सॉल्व किए थे। अभी हमारा नया टॉपिक है प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें हमें प्लेस वैल्यू टेबल दिया हुआ है जिसको हमें नंबर्स में लिखना है, और उससे ऑपोजिट नंबर्स दिए हैं जिसको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में ऑलरेडी हमें एबेकस की तरह दिया हुआ है जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो आपको देखो इस तरह से पिक्चर्स देखकर करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रही हूँ। राइट द नंबर्स गिवन इन द following place value table in decimal form. ओके, यहाँ हमें टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में पूरा ड्रॉ कर रही हूँ। ए बी सी डी और ई तक का यहाँ पर है हंड्रेड्स, टेंस, वंस, थोड़ा स्पेसियस करके हम कर दे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, पहले ऊपर का रीडिंग लिख देते, यहाँ पर आएगा हंड्रेड्स, फिर है टेंस, वंस, टेंस टी एच एस आएगा, फिर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ओके, तो यहाँ आएगा हंड्रेड, टेंस, वंस, यहाँ आएगा वन अपॉन टेन, वन अपॉन हंड्रेड एंड वन अपॉन थाउजेंड। ओके, अब यहाँ पे ए नंबर में हम लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई। अब हम बॉक्सेस ड्रॉ कर देंगे ताकि लिखने में आसान रहे, एक नंबर दूसरे बॉक्स में चलाना चाहे। ओके, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। ओके, यहाँ जो नंबर बन रहा है उसका हम आंसर बाजू में लिखते जाएंगे। ए बी सी डी ई पांच नंबर्स के हमें आंसर लिखने हैं। तो इस तरह का हमें प्लेस वैल्यू टेबल दिया है जिसमें यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर में से कौन सा नंबर बन रहा है उसको डेसिमल की तरह हमें शो करना है।
ओके। तो एक्सरसाइज 8.2, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल। इसको प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। हंड्रेड्स, टेंस, वंस, फिर टेंथ से स्टार्ट होता है, पीछे टी एच सबके पीछे रहता है, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ओके। और यहाँ ये जो वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल आ जाता है, जब हम ये टेबल देकर आंसर लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ओके। जीरो जीरो है, ओके, तो वो तो आगे के नहीं लिखने, 3.250। पहला आंसर आया हमारा 3.250, पीछे जीरो है तो लिखो, तो भी कोई जरूरत नहीं लिखेंगे तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आप 3.25 लिखो या 3.250 लिखो, दोनों सेम है। सेकंड नंबर देखो, 102.630, ओके, 102.63, जीरो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वहां पर कोई भी डिजिट नहीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू जीरो है। अब थर्ड नंबर देखो, आगे जीरो है नहीं लिखना, 30, बीच में जीरो आता है तो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि वो प्लेस वैल्यू उसकी ऑलरेडी होती है। 0.25, 0.25, 30.025, ओके। नाउ डी नंबर देखो, 211.902, ओके, 211+.902। अब लास्ट नंबर देखो, जीरो आगे या लास्ट में हो तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर अगर बीच में जीरो आता है तो उसको लिखना कंपलसरी है। तो अभी हम इसके लिख लेंगे 12.241, ओके। इस तरह से प्लेस वैल्यू टेबल देखकर हम दिए हुए नंबर की प्लेस वैल्यू इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। हंड्रेड, टेंस, वंस, उसके बाद फिर से टेंथ, टी एच एस शुरू हुआ, मतलब वंस की दोनों साइड टेंस वाले हैं, ये है टेंस वाला और ये टेंथ वाला, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, सबके ये जो राइट साइड में है उसके पीछे टी एच लगता है, ओके। अब हमने वन नंबर का लिखा, ये जो वंस और टेंथ के बीच में हम पॉइंट लगाते हैं, ओके, ऐसा सोचो ये दो पार्ट हो गए और ये दो पार्ट को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो बीच में हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ए का नंबर डेसिमल, हमें देखो डेसिमल फॉर्म में लिखने को कहा है, तो आंसर आएगा 3.25। फिर बी नंबर देखो, 102.63, स्टार्टिंग में जीरो हो या लास्ट में जीरो हो उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अगर लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा और नहीं लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। सी नंबर देखो, 30.025, देखो यहाँ बीच में जीरो आ रहे हैं तो उनको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं लिखोगे तो उसके बाद वाले नंबर की प्लेस वैल्यू पूरी बदल जाएगी। डी नंबर में 211.902 एंड ई नंबर 12.241, ओके। तो इस तरह से हमें टेबल में पूरा दिया हुआ है नंबर्स जिसको हमें अलग से नंबर की तरह मेंशन करने हैं, यहाँ मैंने आंसर लिख दिए हैं, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 में हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं उसको हमें ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, तो मैं ये टेबल नहीं रफ कर रही, सिर्फ नंबर्स ही रफ कर रही हूँ, ओके, और हेडिंग रफ कर रही हूँ। एक्सरसाइज 3 में है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। Decimals
प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रहा है 100 टेंस और वंस वाला, उसको प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सारे नंबर रफ कर दूंगी ये, ताकि फिर से हमें टेबल बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और ये नंबर देखकर अब हमें ये टेबल में नंबर्स लिख रहे हैं। अभी जो हमने सम किया था उससे ये सम पूरा रिवर्स होगा। 0.29 ओके, उसमें हमें इसके पहले वाले सम में हमें ये टेबल में नंबर दिए थे और हमें डेसिमल में नंबर लिख रहे थे, और अभी एक्सरसाइज 3 उससे पूरी ऑपोजिट है। अभी हमें ये डेसिमल वाले नंबर दिए हैं और टेबल में हमें नंबर फिलअप करने हैं। तो देखो 0.29 पॉइंट, मतलब ये दोनों के बीच में पॉइंट आता है। ओके, वंस और टेंथ के बीच में पॉइंट आता है, पॉइंट की राइट साइड में है 0 और यहाँ पर है 29, और बाकी जो मिसिंग बॉक्सेस है उसमें हम 0 0 लिख देंगे। ओके, मिसिंग बॉक्स है मतलब जो खाली बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, उसमें हम 0 0 लिख देंगे। तो देखो ये हो गया कि 0.29। अब दूसरा है, पॉइंट होता है ना वो यहाँ याद रखो कि वंस और टेंथ ये दोनों के बीच में पॉइंट आता है। तो पॉइंट की लेफ्ट साइड में है 2 और राइट साइड में है 0 8, तो बाकी के खाली बॉक्सेस में हम 0 लिख देंगे। तो देखो इसका आंसर हो गया 2.08। अब देखो थर्ड नंबर 19.60, तो यह आएगा 19, फिर यहाँ पर पॉइंट का आएगा, यहाँ पर 6 और 0, बाकी बॉक्सेस में 0 लगा देंगे। फिर 148.32, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 148, फिर यहाँ 0.32 और खाली बॉक्स में लिख दिया हमने 0। नाउ द लास्ट नंबर 200.812, पहले से स्टार्ट करेंगे 200, फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा 812। हो गया टेबल कंप्लीट, हो गया टेबल में हमने सारे नंबर्स मेंशन कर दिए। ओके, बहुत ही इजी है। आपको ये टेबल सबसे पहले याद होना चाहिए कि इसके हेडिंग में क्या आता है, कि 100, अगर एक नंबर और आगे आ जाए तो 1000 भी आ सकता है, 100 tens 1s। फिर अब राइट साइड पर उससे रिवर्स शुरू होगा कि 10th 100th 1000। ओके, तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेट दोनों तरीके से कर दिया, कि पहले हमें ये टेबल में नंबर्स ऑलरेडी लिख कर दिए हुए थे जिससे हमें ये नंबर्स हमें बनाने थे, और दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो पूरा प्लेस वैल्यू टेबल है उसमें नंबर्स हमने लिखे, ऑलरेडी ये डेसिमल वाले नंबर्स हमको दिए हुए थे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 4,
each of the following as decimals. एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. ओके, फर्स्ट नंबर है 20 प्लस 9 प्लस 4 बाय 10 प्लस 1 बाय 10. तो ये दो नंबर के बीच में कहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, तो नंबर होगा हमारा 20 प्लस 9 29.41. आपको इस तरह से अरेंज किया हुआ नंबर देखकर ही उसका आंसर आ जाएगा, इतना इजी है ये. ओके, तो फर्स्ट का आंसर होगा 29.41. ये जो टेंस और वंस और यहाँ टेंथ के बीच में आपको डेसिमल लगाना है, तो 20 प्लस 9 कितने होते हैं 29. तो 29 फिर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ टेंथ और हंड्रेड है, तो 41. तो आंसर आया हमारा 29.41. नाउ सेकंड नंबर 137.5. पर यहाँ 500 के प्लेस पर है, मतलब दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो दो डिजिट बनाने के लिए हमें यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा. तो हमारा आंसर आएगा 137.05. ओके, नाउ थर्ड नंबर, ये सारे अपॉन वाले हैं, TH वाले हैं वो. 7 अपॉन 10th प्लस 6 अपॉन 100th प्लस 4 अपॉन 1000th, तो वो पॉइंट की राइट साइड वाले सारे नंबर हैं. तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.764. ओके, तो इस तरह से ये सब सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर का आंसर है 29.41. सेकंड नंबर 137.05. जीरो लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 100 है, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो दो डिजिट नहीं है इसलिए हमने वहाँ मिसिंग प्लेस पर दो डिजिट करने के लिए वहाँ पर जीरो लगा दिया, ताकि यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू 100 तो हो गई. अब यहाँ देखो सारे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 है, दैट मीन्स पॉइंट की राइट साइड वाले नंबर है, तो हम यहाँ कुछ भी नंबर नहीं दिया है तो जीरो लिख देंगे, 0.764. अब आगे सम्स करेंगे हम, नंबर 4 डालेंगे. फोर्थ नंबर है 23 प्लस 2 बाय 10 प्लस 6 बाय 1000. तो इसके लिए हमें 23.2. अब देखो 10th के बाद डायरेक्ट 1000 है, 100 वाला
नंबर नहीं है तो उसके लिए हम जीरो लिख देंगे। ओके, तो इसका आंसर आया 23.206। ओके, क्योंकि 10 के बाद 100 वाला आना चाहिए, जो इसर नहीं दिया है तो उसकी खाली प्लेस के लिए हम वहाँ पर जीरो लिख देंगे। अब देखो फिफ्थ नंबर 700 + 20 + 5, तो उसके लिए लिख देंगे 725.9। अब 9/100 है, मतलब एक टेंथ वाली प्लेस मिसिंग है, तो इधर हम जीरो लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 725.09। ओके, अब हम एक्सरसाइज 5 आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5 का करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग decimals in words. Words में लिखना है, जैसे हम अभी तक वो नंबर नेम वर्ड्स में और फिगर में लिख के आ रहे थे उस तरह। 0.03 मैं आपको बहुत एकदम इजी वे से नंबर नेम लिखना सिखाऊंगी। अब हम बहुत ही इजी तरह से इसके नंबर नेम लिखेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर 0.03, बस ये हो गया इसका नंबर नेम। एकदम इजी वे है ये, पॉइंट लिखकर जब हम नंबर नेम लिखते हैं तो बहुत इजी मेथड हो जाती है। सेकंड नंबर 1.20 भी लिख सकते हो या 1.20 भी लिख सकते हो। ओके, दोनों तरह से आप आंसर इसके मेंशन कर सकते हो, आप 20 भी लिख सकते हो और 20 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर करेक्ट होगा। हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि हमारे दोनों मेथड से इसमें लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर उसी तरह 20 के बदले इस तरह से हमको दिया हुआ है कि 20। ओके, एक एक वर्ड को अलग अलग करके लिखा हुआ है। देखो 1.20, थर्ड नंबर 108.56, इस तरह लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर 10.07, फाइव नंबर 0.032, एंड द लास्ट सिक्स नंबर इज 5.008। तो इस तरह से नंबर्स
दिए हुए हो उसको हम डेसिमल वाले नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 8.2 की एक्सरसाइज 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ओके, तो मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताई है, इस तरह से आप नंबर को जब वर्ड्स में लिखोगे तो बहुत इजी हो गया। और पॉइंट की राइट साइड पर जो भी नंबर है उनको अलग अलग तरह से मेंशन कर रहे हैं। ओके, फिर से सारा हम बोल देते हैं। नंबर 1, 0.03। नंबर 2, 1.20। नंबर 3, 108.56। फोर्थ नंबर 10.07। फाइव नंबर 0.032। एक एक नंबर को हम ऐसे अलग अलग करके बोलते हैं। एंड द लास्ट सिक्स नंबर इज 5.008। ओके, तो इस तरह से हम, आपके पास अगर प्रैक्टिस बुक है तो आप उसमें से इसी सेम स्टाइल के सम्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं पूरी टेक्स्ट बुक के एक एक सम्स आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 6 करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट किया। थैंक यू।